इन पुल पुलियों के क्षतिग्रस्त होने के मामले को गंभीरता से लिया गया है तथा इसकी जांच का आदेश उड़नदस्ता संगठन को दिया गया है। उड़नदस्ता दल स्थल पर पहुंच गई है और उनके द्वारा जांच की जा रही है। कार्यान्वयन से संबंधित दोषी अभियंताओं को चिन्हित कर एवं संवेदक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य के कार्यान्वयन के दौरान संबंधित अभियंताओं के द्वारा इस नदी पर अवस्थित पुल पुलिया को सुरक्षित रखे जाने हेतु एहतियातन कदम नहीं उठाया गया तथा समुचित तकनीकी पर्यवेक्षण नहीं किया गया, साथ ही कार्यकारी संवेदक के स्तर से भी लापरवाही बढ़ती गई। यह भी प्रतीत होता है कि संरचनाओं के पियर एवं एबटमेंट के समीप तकनीकी रूप से संतुष्ट होने के उपरांत ही खुदाई किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया, जिसके लिए कार्यान्वयन से संबंधित अभियंता प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होते हैं। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़। देखिए, बीते 15 दिनों के अंदर तकरीबन दर्जन भर से अधिक पुल बिहार के अंदर ही ध्वस्त हो गए, जिसको लेकर विपक्ष पूरी तरीके से टूटा हुआ है बिहार के सरकार पर। हालांकि नीतीश कुमार इसको लेकर बैठकें कर रहे हैं, एक दो दिन पहले भी नीतीश कुमार ने गिरते हुए पुलों को लेकर बैठक किया था और उसके बाद आज जल संसाधन विभाग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताया गया है कि गिर रहे पुलों के जांच के लिए उड़नदस्ता को अपॉइंट किया गया है। उड़नदस्ता घटनास्थल पर जाएगी और उसका जांच करेगी। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग के द्वारा ये बताया गया कि गिर रहे पुलों में ऐसा प्रतीत होता है कि इंजीनियर इसको लेकर दोषी हैं, तो जो भी इंजीनियर इसके लिए दोषी होंगे उन सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुन। 3 से 4 जुलाई 2024 को सिवान एवं सारण जिलों में छाड़ी गंडकी नदी पर अवस्थित 6 अदद पुल पुलिया ध्वस्त हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा वर्ष 2023 में गोपालगंज जिला में किए गए समाधान यात्रा के दौरान प्राप्त आवेदनों का संज्ञान लेते हुए गोपालगंज, सिवान, सारण जिलों से प्रवाहित होने वाली छारी गंडकी नदी के प्रवाह को अविरल बनाने के साथ नदी जोड़ योजना एवं जल डैश जीवन डैश हरियाली अभियान के संयुक्त उद्देश्य से जल संसाधन विभाग के द्वारा गंडक, अकाली नाला छाड़ी, गंडकी, माही, गंगा नदी जोड़ योजना का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। इसके अंतर्गत गंडक नदी के अधिशेष जल को छाड़ी नदी, गंडकी नदी, माही, डबरा नदी के माध्यम से गंगा नदी में प्रवाहित किया जाना है। 69.89 करोड़ की लागत से इस योजना के तहत 170 किलोमीटर की लंबाई में 19 मीटर चौड़ाई तथा औसत 3 मीटर गहराई में गाद निकासी डिसिल्टेशन कार्य कराया जाना है। इस योजना को मार्च 2025 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। छाड़ी नदी के प्रवाह को अविरल होने से इस क्षेत्र में बाढ़ आपदा न्यूनीकरण में मदद मिलेगी एवं इस क्षेत्र के जलीय पारिस्थितिकी के साथ साथ भूजल स्तर में भी सुधार होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य के कार्यान्वयन के दौरान संबंधित अभियंताओं के द्वारा इस नदी पर अवस्थित पुल पुलिया को सुरक्षित रखे जाने हेतु एहतियातन कदम नहीं उठाया गया तथा समुचित तकनीकी पर्यवेक्षण नहीं किया गया, साथ ही कार्यकारी संवेदक के स्तर से भी लापरवाही बढ़ती गई। यह भी प्रतीत होता है कि संरचनाओं के पियर एवं एबटमेंट के समीप तकनीकी रूप से संतुष्ट होने के उपरांत ही खुदाई किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया, जिसके लिए कार्यान्वयन से संबंधित अभियंता प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होते हैं। इन पुल पुलियों के क्षतिग्रस्त होने के मामले को गंभीरता से लिया गया है तथा इसकी जांच का आदेश उड़नदस्ता संगठन को दिया गया है। उड़नदस्ता दल स्थल पर पहुंच गई है
और उनके द्वारा जांच की जा रही है। कार्यान्वयन से संबंधित दोषी अभियंताओं को चिन्हित कर एवं संवेदक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छाड़ी नदी पर आवागमन सुनिश्चित करने हेतु नए पुलों के निर्माण कार्य की स्वीकृति युद्ध स्तर पर एक सप्ताह के अंदर प्रदान किया जाएगा। इन पुलों के निर्माण पर होने वाले व्यय की वसूली संवेदक से ही की जाएगी और उसी के माध्यम से ये पुलों का निर्माण किया जाएगा। यानी अभियंता जो दोषी पाए जाते हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और संवेदक से वसूली कर इन पुल जो पुल टूटे हैं उनका निर्माण भी किया जाएगा। ये सारे पुल करीब 30 वर्ष या अधिक पुराने थे, ईंट के थे और नई उड़ाही के क्रम में ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि समीप के पियर एवं एबटमेंट के समीप भी उड़ाही की गई तो पियर एवं एबटमेंट का फाउंडेशन भी वीक हुआ। पूर्व से भी फाउंडेशन कुछ वीक थे जिसके कारण ये गिरे, लेकिन हमारे अभियंताओं को पुनः फिर भी ख्याल रखना चाहिए था और पुराने पुल पर भी एहतियात बरतनी चाहिए थी। हमारे हिसाब से वो पूरी तरह से नहीं बरती गई और उसके लिए कार्रवाई हम कर रहे हैं। अभी जांच चल रहा है, कार्रवाई उसका प्रतिवेदन आएगा और अविलंब कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर ये तो आप सिर्फ सारण और सिवान जिले की बात कर रहे हैं, पुल तो आपके दूसरे इलाके हिस्सों में भी गिरे। सबसे पहले बता दूं, अररिया, मधुबनी इस सब इलाके में, किशनगंज में भी हुआ है। सबसे पहले बता दूं कि जल संसाधन विभाग के द्वारा जो कार्रवाई अभी उड़ाही की गई थी उसकी वजह से यही पुल थे, परंतु अन्य विभागों के पुल भी दूसरे जगह अवश्य गिरे हैं। जहाँ तक नदियों पर पुल जल संसाधन विभाग द्वारा नहीं बनाया जाता है, नहरों पर अवश्य बनाया जाता है। अन्य विभागों द्वारा भी जो बनाए गए हैं उसके संबंध में कल ही माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर भी बैठक हुई है जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें एक तो महत्वपूर्ण निर्णय यह भी है कि 50 मीटर से कम पूर्व से निर्धारित है कि ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बनाया जाएगा, 50 मीटर से अधिक पुल निर्माण निगम के द्वारा इसकी कड़ाई से पालन की जाएगी। जो प्रोसेस एवं प्रोसीजर, जो प्रक्रिया है, पूरी तरह से उसको उसका फॉलो करते हुए ही किसी का भी निर्माण किया जाएगा। यानी डिज़ाइन पर, क्वालिटी कंट्रोल पर, उसका एनओसी पर, सारे चीज़ पर ध्यान दिया जाएगा। यह भी निर्णय हुआ है कि हर विभाग अपनी मेंटेनेंस पॉलिसी हर पुलों के लिए, पुल पुलिया के लिए बनाएगी। पुल निर्माण निगम द्वारा पूर्व से विस्तृत मेंटेनेंस पॉलिसी निर्मित है। ग्रामीण कार्य विभाग को भी निर्देश दिया गया है कि इस तरह का मेंटेनेंस पॉलिसी बनाए। साथ ही सभी विभाग, जिस विभाग के सड़क पर कोई भी पुल बना है या पुराना ही पुल हो, उसे यह जवाबदेही दी गई है कि पुराने पुल को भी या सारे पुल का वो मेंटेनेंस का जवाबदेही लेगा। कई जगह ऐसा है जैसे कि वर्तमान स्थिति में जो हमने बताया पूर्व में, बहुत पुराने पुल और ईंट के पुल पूरी तरह से जिसमें फाउंडेशन नहीं थे, वैसे में आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ध्वस्त करके पुनः नए सिरे से भी बनाया जाएगा। और इसके अलावा यह भी निर्देश हुआ है कि जो पुराने पुल जितने, तो ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहेगा दैनिक के साथ। धन्यवाद।